ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में मामूली बेहतरी। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम। मुर्गी का गोश्त 654 रुपये किलो की सतह पर बरकरार। अंडों की कीमत मुस्तहकम 250 रुपये दर्जन फरोख्त। अंडों की पेटी 7380 रुपये की हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम जो है रखा गया और उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है वो शहरियों की जानिब से उसकी खरीदारी कम की गई है, जिसकी वजह से खपत कम हुई है और खपत कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। 654 रुपए फी किलो की सतह पर आज ब्रायलर बरकरार रखा गया है, जो कि अब भी 650 रुपए फी किलो से जायद की सतह पर मौजूद है। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 428 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 436 रुपए फी किलो मुकर्र की गई है और ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता दो दिनों से मुसलसल इजाफा था, तहम आज जो है 654 रुपए फी किलो की सतह पर कीमतें जो है बरकरार रखी गई हैं। इसी तरह मौसम में तब्दीली की वजह से जो अंडों की कीमतें हैं वो भी जो है इस्तेहकाम में देखने को मिल रहा है। 250 रुपए फी दर्जन कीमत आज जो है मुकर्रर की गई है, जो कि गुज़िश्ता तीन रोज से 250 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और अंडों की पेटी 7380 रुपए की मार्केट में फरोख की जा रही है, जबकि शहरियों को फी अंडा जो है 21 रुपए से लेकर 23 रुपए तक फरोख किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में अंडे की फरोख जो है वो 23 रुपए तक की जा रही है। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, 650 रुपए प्रति किलो से जायद की सतह पर अब भी बरकरार रखी गई है, जबकि आम सारिफ या आम खरीदार जो है उसकी कुव्वत खरीद से ब्रायलर अक्सर बाहर हो चुका है। जी जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा जुबैर।